Hello students, again our government finally at the end of the government decided that due to the corona COVID effect, they are again postponed our school opening day. So again in this situation, we have the only one solution that by this video, we are trying to understand our concept regarding the 12 science board examination. As per the board, from the board's information, there is a no possibility of any cancellation in the exam of the what 12th board. इले यानी कि जो 12th की board के exam है उसमें cancellation के भी options अभी हैं नहीं तो हमारे पास एक ही option है कि भई हम ये video के जरिए जितना भी हो सके उतना हमारे दिमाग में उसका concept clear करने का try करें जैसे irregular होगा तो फिर हमको खाली क्या करना पड़े revision ही करना पड़े अंदर okay so today we are going to discuss the topic of the fourth chapter actually में हमारा second chapter और fourth chapter half of जैसा कुछ खत्म हुआ था तो जो जो topics बाकी है वो हम next to next videos में क्या करते जाएंगे cover करते जाएंगे आज हम अभी क्या ले रहे हैं fourth chapter का एक concept है that is the what galvanometer last वाला topic है तो वो हम आज अभी discuss करेंगे because it is the most important topic in most of the board examination okay तो galvanometer है क्या what is the galvanometer actually whenever we are dealing with the electrical circuit then at the time we have to know about the value of the electricity यानी कि उसमें current कितना है उसमें voltage कितना है वो measure करना मेरे लिए necessary बन जाता है but we cannot see the electricity okay so next point is that how can we measure and how can we estimate that what amount of current is flowing otherwise producing whatever the phenomenon in our experiment is there okay क्योंकि हमारा जो experiment कभी कभी उसमें battery use करके उसमें produce होगा कभी कभी loss होगा तो वो चीज find करे तो करे कैसे अंदर बराबर so for that there is one device is developed that is called the what galvanometer यानी कि इसके लिए क्या device develop किया गया जो galvanometer है अब ये galvanometer actual में करता क्या है It is used the effect of magnetic field whenever there is a passing of current. यानी कि जब भी हम कोई भी coil में से current pass करते हैं और उसके बाहर already कोई और external magnetic field होगी, बराबर तो जब भी coil में से current pass होगा तो वो खुद की भी magnetic field produce करेगा अंदर, बराबर और तो उसकी magnetic field और बाहर वाले की magnetic field के बीच में जो interaction होता है, उसमें हमको जो motional phenomenon दिखता है और खास करके rotational वाला, उसका कंसेप्ट का यूज हम क्या करते हैं ये गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं अंदर बराबर सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट एज वेल एज टू मेजर आईएमवी मींस करंट और वोल्टेज यानी कि करंट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं वो डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं और उसका मेजरमेंट करना हो उसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं और ये गैल्वेनोमीटर इतनी अच्छी डिवाइस है कि वी कैन use it for measuring the micro current यानी कि बहुत छोटी अमाउंट का करंट होगा that we are also able to measure by using this device okay and if we are make some modification in that device then we are able to convert that galvanometer into the ammeter as well as the voltmeter क्योंकि हमको ये पता है कि जब भी हमको करंट मेजर करना होता है तो हम ammeter बोलते हैं बराबर और उसके डिवाइस और जो वोल्ट मीटर होता है उसका यूज करके हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं तो ये एमीटर और वोल्ट मीटर और कुछ नहीं वो गैल्वेनोमीटर ही है गैल्वेनोमीटर की सर्किट का थोड़ा अपडेशन किया तो उससे हमको क्या मिला भैया वोल्ट मीटर और एमीटर बना कैसे बने और किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करना है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम पहले गैल्वेनोमीटर किस तरह से वर्क करता है और उसका बेसिक फंडामेंटल क्या प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे अंदर बराबर नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका कंस्ट्रक्शन तो देख सकते हो इट्स अ वेरी इजी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको क्या करना है एक उसका जो एंडिंग पार्ट है वो कॉन्केव टाइप का है बराबर तो कॉन्केव टाइप का आपको क्या लेना है एक मैग्नेट लेना मींस यू हैव टू कंसीडर मैग्नेट व्हिच हैविंग द एंड एज अ कॉन्केव सरफेस ओके व्हाई वी आर टेकिंग दिस कॉन्केव सरफेस सो दैट व्हाटएवर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दिस प्रिज्म ओके इट विल बिकम रेडियल वो रेडियल बन जाता है समझ में आ रहा है और दूसरा यहाँ पे रेडियल की एफिशिएंसी यानी कि सर्कुलर फॉर्मेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वी आर यूजिंग द सॉफ्ट आयन कोर बराबर तो हम बीच में क्या लगा रहे हैं सॉफ्ट आयन कोर लगा रहे व्हाई वी आर यूजिंग दैट बिकॉज हमको पता है कि व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग द सॉफ्ट आयन मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अरेंज्ड एंड सॉफ्ट आयन कोर विल आल्सो वर्क एज अ वन काइंड ऑफ मैग्नेट बराबर तो वो खुद भी एक मैग्नेट बने तो देखो ये दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है बट ड्यू टू दी
soft angle, it will also produce its magnetic field in the radial direction. और यहाँ पर radial के लिए हमने iron जो pole लिया वो cylindrical format में लिया है, तो उसकी भी magnetic field क्या होगी भाई, उसका जो क्या बोले surface area cos है उसको perpendicular, यानी कि उसमें से भी हमको radial मिले, तो यहाँ पे हमारी magnetic field की जो strength है वो अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, means it will increases. ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे टर्न वाले कॉइल को वाउंड किया है और यहाँ पे ये कोर और ये कॉइल कुछ इस तरह से अरेंज किए एक पाइवट पे किया ताकि वो फ्रीली रोटेट कर पाए अंदर बराबर, और फ्रीली रोटेट कर पाए तो उसके साथ साथ एक स्प्रिंग भी रखा है ताकि वो रोटेट हुआ है, तो जो भी फोर्स से हुए तो हो जाए नो प्रॉब्लम, बट व्हेनेवर द फोर्सेस आर रिमूव्ड देन इट विल ऑटोमेटिकली कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, उस तरह का स्प्रिंग सिस्टम भी यहाँ पे क्या किया है, अटैच किया गया है, समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे सेंटर से पॉइंटर निकाल दिया जाता है. Whenever the galvanometer is not connected, means this construction is not connected to the external circuit, at that time its pointer will always show the vertical line. यानी कि ये यहाँ पे बताया गया, यानी कि उसका zero value है ना, ये बीच वाली line के अंदर. बराबर. And whenever you are connecting this galvanometer to the circuit, then based on the direction of the flow of the current in the circuit, the galvanometer's pointer will deflect either in the left hand side और इन द राइट हैंड साइड, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में क्या करेगा भाई, डिफ्लेक्ट करेगा, हमें समझना है. तो उससे हमको ये भी पता चलता है कि भाई करंट तो है पर सर्किट में करंट कौन सी डायरेक्शन में मूव होता है, दैट विल आल्सो डिटेक्ट बाय यूजिंग द व्हाट गैल्वेनोमीटर. तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि भाई बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट मस्ट बी व्हाट यूनिफॉर्म और रेडियल होनी चाहिए अंदर. अब रेडियल करने का दूसरा रीजन क्या है अंदर, बिकॉज व्हेनेवर यू आर डूइंग द रेडियल एट दैट टाइम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी वे से हर बार क्या होगी 90 डिग्री होंगे, अदरवाइज क्या होगा, कुछ में 90 होगा कुछ में 45 होगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन पार्ट कॉफ्ट ऑफ बन जाए. तो यहाँ पर रेडियल फील्ड का इंपॉर्टेंस इसीलिए रखा है कि रेडियल फील्ड होगी तो जब भी कॉइल का इंसर्ट करेगी तो हमको पता है रेडियस और टेंशन हर बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होते हैं. तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो हर बार 90 होगा और इससे प्रोड्यूस होती जो इफेक्ट होगी वो हमको मैक्सिमम मिलेगी अंदर. बराबर है. और यहाँ पे रोटेशनल फिनोमिनन का यूज किस तरह से होता है हम जब नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. तो ये कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है अंदर कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बराबर. यानी कि आपकी एक कॉइल है और उसमें से आप करंट पास करवा रहे हो, ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही अंदर, देन इट विल एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क. यानी कि आपने जो अमाउंट का करंट उसमें से पास किया उसके प्रोपोर्शन में आपको वो कॉइल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा. टॉर्क लगेगा उसकी वजह से वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा अंदर. बराबर. व्हिच रोटेट्स द कॉइल एंड प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन. और उसकी वजह से हमारी जो कॉइल होगी वो क्या होगी, पर रोटेट होगी और उसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन मिलेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा या तो राइट हैंड साइड में मिलेगा. और जितना भी अमाउंट मिलता है उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि व्हाट मे बी द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि करंट की अमाउंट की रेंज क्या है वो भी हम रफली एस्टिमेट करना कि भाई ज्यादा है बहुत ज्यादा है कम है, तो वो हम इजीली कहना चाहे तो कह सकते हैं अंदर. ओके. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेनेवर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, यानी कि वो टॉर्क का दर पर वो जो करंट की वैल्यू उसके हिसाब से करेगा, व्हिच रोटेट्स द कॉइल एंड प्रोड्यूस द एंगुलर डिफ्लेक्शन. अभी सीधी बात, कॉइल रोटेट हुई तो ये पॉइंटर का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन बोल, एंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी आर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सिंबल फाइव. यहाँ पे कितना डिग्री हुआ तो उसको हम फाइव से क्या करेंगे, फिर रिप्रेजेंट करेंगे अंदर. समझ में आ गया इतना पार्ट सबको. मतलब नाउ वी आर फोकस ऑन द वर्किंग. यहाँ पे हमने बात की कि व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क. मतलब उसको टॉर्क लगता है. तो टॉर्क का इक्वेशन क्या था भाई, m क्रॉस b था अंदर. मतलब वेयर m इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन क्या था, ia. बराबर. तो आईए वाला इक्वेशन था. बट इफ यू आर टेकिंग योर कॉइल हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद n. ओके. सो m का वैल्यू यहां पे आप जब रखोगे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा लिखो
तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, बी तो था और एन की जगह क्या होगा, एन आई है, तो मैंने कुछ रीअरेंज कर दिया बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर, ओके। तो टाउ का आपका इक्वेशन क्या होगा, बिना साइन थीटा, बराबर, ऐसे बोलते तेरे बिना, तेरे बिना, बराबर, तो वही स्पेलिंग बना दिया यहाँ पे अंदर, तो बी आई एन एम, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, आई स्टैंड्स फॉर करंट, एन सम नंबर ऑफ डॉट, एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया, एंड हियर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द व्हाट, एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अभी हमने जस्ट यहाँ पर बात की कि हियर द ड्यू टू द रेडियल इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, बराबर, तो यहाँ पे फील्ड रेडियल है, दैट्स व्हाई बी और ए ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दैट्स व्हाई थीटा विल इक्वल टू द व्हाट, 90 डिग्री, अगर अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो ये हमारा टाउ का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू इतनी पॉसिबल है, 1 और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव राइट डाउन टाउ मैक्स इक्वल टू व्हाट, बी आई एन एफ बिना, ओके। नाउ दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, अब ये टॉर्क लग रहा है मैक्सिमम, सो ड्यू टू दैट द कॉइल इज स्टार्ट टू मूविंग, बराबर, वो क्या होगी, रोटेट होगी यहाँ पे अंदर, बराबर, बट कॉइल इज अटैच्ड टू दिस स्प्रिंग, पर हमने यहाँ पे बात की कॉइल यहाँ पे क्या स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो जैसे वो रोटेट करेगा स्प्रिंग में क्या होगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा अंदर, समझ में आ रहा है, सो देयर विल बी अ प्रोड्यूसिंग अ रिस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग, बराबर, तो उसकी वजह स्प्रिंग में रिस्टोरिंग टॉर्क रहा, अब जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर ऑलरेडी स्टोर होता है, सो व्हेनेवर यू आर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स द स्प्रिंग विल ऑटोमेटिकली कम इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो उसी तरह से यहाँ पे रोटेशनल की बात है, तो अगर हम उसमें रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं यानी कि टॉर्क लगा रहे हैं तो उसमें फोर्स कौन सा स्टोर होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क वाला होगा, समझ में आ रहा है, जिस तरह से लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करता है उसी तरह रोटेशनल में कौन वर्क करता है, टॉर्क वर्क करता है, ओके, सो दैट्स व्हाई इन द स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टाउ मैक्स, यानी कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, तो अगर उसकी वैल्यू टाउ लिखते हैं तो ये टाउ है वो सीधा हम किसे मेजर कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कितना हमारा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज फाई की वैल्यू क्या है उससे होगा, सो टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फाई होगा, और अगर प्रोपोर्शनल निकाल दे तो कुछ कॉन्स्टेंट निकला, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट और कोई नहीं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ही है अंदर, सो यहाँ पे स्प्रिंग के लिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, टाउ इक्वल टू के फाई बनेगा अंदर, स्प्रिंग प्रोवाइड्स द काउंटर टॉर्क, यानी कि जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग है और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड का खुद का लग रहा है यानी कि टाउ मैक्स, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बराबर, और पॉइंटर एक एंगल में एक पॉइंट्स में फिक्स हो जाएगा अंदर, बराबर, सो स्प्रिंग प्रोवाइड द काउंटर टॉर्क विच बैलेंस द मैग्नेटिक टॉर्क, तो वो क्या होगा भाई, एक टाइम पे बैलेंस होगा, और जब बैलेंस हो जाता है हम ये लिख सकते हैं स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या हो गया, सेम हो गया अंदर, बराबर, नाउ टाउ का इक्वेशन क्या था, के फाई, तो के फाई टाउ मैक्स का था भाई, बिना था तो लिख दिया, और यहाँ पे आपको फाई को क्वेश्चन मार्क बनाना अंदर, बराबर, सो व्हाट इज द फाई इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई को खाली अलग कर दे और बी एन ए को थोड़ा अगेन रीअरेंज कर दे, बी एन डिवाइड बाई के बन के, बराबर, ऐसा बोलते हैं ना बन के, हम कुछ बना के गए अंदर, तो बन के, और यहाँ पे क्या आया है, अब देख सकते हो कि बी, बी इज द एक्सटर्नल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड विच इज फिक्स, तो कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स वो तो फिक्स है कॉइल के अंदर जो डिजाइन है, एरिया भी उसका फिक्स है, की स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट वो भी फिक्स है, तो ये सारे कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को निकाल कर प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम, बराबर, सो हियर वी आर फाउंड एट फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पे जो बोल रहे थे हो गया ना कि करंट डिपेंडेंट टॉर्क, तो यहाँ पे आपको जो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ करंट है, जितना करंट ज्यादा उतना आपका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा अंदर, समझ में आया, सो हियर बाई यूजिंग दिस डिवाइस वी आर एबल टू एस्टिमेट, अदरवाइज वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, बराबर, तो करंट जो भी है वो हम इजीली यहाँ पे क्या डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू का एस्टिमेशन भी करना है तो कर सकते हैं अंदर, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये प्रोड्यूस होता है कि यूज क्या हुआ, एक तो डिटेक्शन के लिए यूज होता है, बराबर, दूसरा मेजर भी कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर यू कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट और ट्रू वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज, ओके, सो बाय डूइंग मॉडिफिकेशन वी आर कंस्ट्रक्टिंग द वोल्टमीटर
एंड गैलोनोमीटर ए मीटर, यानी कि गैलोनोमीटर का यूज हम क्या कहें कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसके वोल्ट मीटर और ए मीटर। तो ये उसके तीन क्या है एप्लीकेशन है बराबर। तो नेक्स्ट वाला वीडियो उसमें किस तरह से भाई गैलोनोमीटर में कुछ प्रॉब्लम जनरेट होता है उसका सॉल्यूशन करके किस तरह से हम वोल्ट मीटर और ए मीटर डिजाइन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।